नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में। नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ व महलों का दुर्ग और मिठड़ी का किला भी कहा जाता है। दोस्तों, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने मराठों से जयपुर की रक्षा करने के लिए करवाया था। इस किले के बारे में इतिहासकारों के अनुसार यह कहा जाता है कि इस दुर्ग को दिन में जितना बनाया जाता है उतना ही रात को वह निर्माण नारसिंह बाबा के चमत्कार के कारण टूट जाता है। फिर पुंडरीक रत्नाकर पंडित के कहने पर यहाँ नरसिंह बाबा की छतरी बनाई गई थी, इसलिए इस दुर्ग का नाम नाहरगढ़ दुर्ग रखा था। इस किले में भगवान कृष्ण का मंदिर होने के कारण सुदर्शनगढ़ भी इस किले को कहा जाता है। दोस्तों, इस दुर्ग को गिरी, एरन और पारिद व सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। इस किले में अधिकांश महलों का निर्माण राम सिंह द्वितीय व माधो सिंह ने करवाया था। साथियों, माधो सिंह द्वितीय ने इस दुर्ग में अपनी पासवान रानियों के लिए विक्टोरिया शैली में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था, जिसमें प्रमुख हैं सूरज महल, खुशाल महल, बसंत महल, फूल सागर, जवाहर सागर, ललित प्रकाश और आनंद प्रकाश आदि प्रमुख माने जाते हैं। इस किले में सवाई जयत सिंह ने अपनी प्रेमिका रसक कपूरी को यहीं बंदी बनाकर रखा था। दोस्तों, इस दुर्ग में जयपुर को मुकुट और जयपुर शहर का झांकता हुआ दुर्ग भी कहा जाता है। इस किले में सिलेखाना, हवा महल, माधो सिंह अतिथि गृह स्थित हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।